अब इसी तरह हमारे पास आई है, आई में भी हमारे पास 16 अपनी जगह रहा, प्लस 7 भी अपनी जगह, 7 की जगह आ गया 5, यहाँ पे 8 और ये रहा ब्रैकेट में 5/2। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 + 3/4, 12 अपनी जगह है, -3 और ये रहा 5 और डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, 16 अपनी जगह है, 7 × 5 = 35, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 × 5 = 11, 3 × 1 = 4 = 5, इसी तरह 8 × 5 = 40/2, 5 × 3 = 8, 8/4। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। यहाँ देखें तो हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, 2 के टेबल से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 and 0, और यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 20, और यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद आया 2। इस क्वेश्चन में हम इक्विवेलेंट करते हैं, यानी हमारे पास कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमने अपॉन वन लगा दिया। इक्विवेलेंट करने से पहले हम यहाँ देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, यानी हमने पहले लिखा 12/1 -3 × 5 = 15/5। इन दोनों नंबर को हम इक्विवेलेंट करते हैं, यानी 1 के साथ ऐसा नंबर लगाएंगे कि 5 हो जाए, यानी ये इसके इक्वल हो जाए। सबसे पहले 12/1 लिखा, लाइन थोड़ी सी एक्सटेंडेड की, इसी तरह 15 लिखा, 5 लाइन थोड़ी सी एक्सटेंडेड की, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 5, यानी अभी इक्विवेलेंट हो गया, जो काम हमने नीचे किया है वही काम हम ऊपर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 1 था, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 1। अब 12 × 5 = 60, 60